हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी होता है यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और एंजाइम टू प्रोसेस आर यूजफुल टू ह्यूमन। मीन्स दैट कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट या सेल को यूज करके या एंजाइम को यूज करके कुछ प्रोसेस करके ताकि वो ह्यूमन के लिए इफेक्टिव हो पाए, वो यूजफुल हो पाए, उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी, तो हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के बारे में देखेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, एनर्जी के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, डिफेंस के बारे में, फिर इसके बाद रोबोटिक्स के बारे में, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फिर उसके बाद इसे पेटेंट करवाते हैं, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर साइबर सिक्योरिटी। तो देखो, पहला बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझें। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में इतना सारा टर्म होता है, डीएनए, जीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन थेरेपी, जीएम क्रॉप्स कुछ नहीं है, ये है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, फिर थेरेप्यूटिक ड्रग्स, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, फिर क्लोनिंग, फिर स्टेम सेल क्या होता है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो देखो, पहला स्टार्ट करते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है कि मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ क्रोमोसोम, तो ह्यूमन के पास कितना क्रोमोसोम होता है, तो 23 होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम अगर पूछेगा, टोटल क्रोमोसोम तो 46 का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 होते हैं ना, 24 होता है, मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सेल्फ रिप्लिकेट करता है, मतलब खुद अपने आप रिप्लिकेट करता है। ये डीएनए कैरी करता है जीन्स को, यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि पेरेंट्स से अपने बच्चे में ट्रांसफर होता है जीन, ठीक है, और जीन कौन कंटेन करता है, तो डीएनए करता है, ठीक है। तो जीनोम क्या होता है, ऑल द जीन टूगेदर कॉल्ड जीनोम, मतलब कि जितना भी जीन मिलके, ठीक है, करोड़ों करोड़ों जीन है, 3 करोड़ के आसपास जीन है, ठीक है, ये सब मिलके जीनोम बनाता है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी होता है यूज टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन, जीन थेरेपी से जो डिफेक्टिव जीन होता है, डिफेक्टिव जो खराब हुआ जीन होता है, उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। ये कैसे ठीक होता है, तो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नॉर्मल जीन इन द सेल, सेल के अंदर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद जीन थेरेपी से तुम्हारा जिनको डिफेक्टिव जिनको ठीक किया जाता है। फिर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होता है ना, वो तुम्हारा ऐसा क्रॉप होता है जैसे कि उस क्रॉप से ज्यादा यील्ड मिले, फिर वो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, मतलब कि अगर ज्यादा सूखा है तो उसको रेजिस्ट कर सके, फिर वो ज्यादा यील्ड दे, मतलब कि ज्यादा उपजाऊ, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहे उसका, ठीक है, वो जीएम क्रॉप होता है। फिर थेरेप्यूटिक ड्रग्स क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, अब मेडिकेशन कोई है, मेडिकेशन तो मेजरमेंट ऑफ मेडिकेशन कंसेंट्रेशन इन द ब्लड, जैसे कोई टैबलेट है तो टैबलेट को कैसे पता चलेगा कि उस टैबलेट में कितना पेट दर्द का कितना दवा डाला जाए कि पेट दर्द ठीक हो जाएगा, उसमें कितना दवा डाला जाए कि सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो या कुछ भी प्रॉब्लम उसको ठीक कर देगा,
तो कितना ड्रग्स का कितना मतलब कि मेडिसिन का कितना क्वांटिटी होना चाहिए उस टेबलेट में, तो ये तुम्हारा जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होता है वो वही वही बताता है कितना मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो हानिकारक भी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लोनिंग क्या होता है कि प्रोपगेट द सेल और ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अपने ही तरह का बहुत सारा चीज को बनाना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। जैसे कि ये क्लोन करके ये कुछ चीज सेल को क्लोन कर दिया, या कोई आजकल रैबिट क्लोनिंग हो रहा है, अभी ह्यूमन पर ट्राई नहीं हो रहा है लेकिन एनिमल का क्लोनिंग हो रहा है। तो प्रोपगेट द सेल और ऑर्गेनिज्म, और अभी हार्ट क्लोनिंग हो रहा है, तो लिवर क्लोनिंग हो रहा है, ये सब छोटे 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 छोटा टिश्यू क्लोनिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्टेम सेल क्या होता है कि गिव बर्थ टू मोर सेल्स और सेम टाइप, सेम टाइप, ठीक है। स्टेम सेल के कारण ये सेल बनता है अपने बॉडी में। जैसे बॉडी में सेल कैसे बन रहा है, सेल बनाने का काम होता है स्टेम सेल का। स्टेम सेल प्रेजेंट कहाँ होता है, तो बोन मैरो में और ब्लड में होता है। तो ये दोनों जगह पे स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। तो स्टेम सेल से आजकल क्या हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, जैसे कि कैंसर को ठीक करने का, लिंग्स, लिवर, ये सब को मतलब कि बना के आर्टिफिशियली स्टेम सेल की मदद से उसको प्रोपोगेट करके, यानी कि बना के उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ठीक है। फिर सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। ये जैसे सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से हम लोग रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल, मतलब कि और दूसरे तरह का सेम एनिमल बना रहे हैं, रैबिट से, जैसे आपको एग्जांपल दे सकते हैं रैबिट से रैबिट बनाना, या इससे सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से डिजीज को भी ठीक किया जा रहा है, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है कि यूज ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट को यूज करके जैसे कि बियर बनाना है और या ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में ये सब यूज होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। उसको कई दिन तक, कई दिन रख दिया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, तो वो ईस्ट से, या कर्ड, कर्ड भी एक एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन का, साथ में रखिए जोरन डाल के और वो शुरू में कर्ड बन जाता है, तो वो भी फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और आप वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।